फिलौर सब डिवीजन के सिल्कियाना गांव में बड़े स्तर पर रेत निकालने का कारोबार जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन इस सारे काम में प्रशासन अभी तक चुप क्यों बैठकर तमाशा देख रहा है। और इस बार हद तो तब हो गई जब बहते पानी में से भी रेत के कारोबारी धड़ल्ले से रेत निकाल रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जिससे गाँव वालों की मान के चले तो उनकी जमीन की मिट्टी धंस रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सुखदेव सिंह लुधियाने का, उधर है बस्ती अल साइड का लुधियाने का, यह इधर खड्डा चला वास्ते पहला पार सगियाँ उधर उधरों इधर आ गया, उधर कहते मिट्टी निकल आई तो इधर कहते असी चलाने खड्ड। तो इन्होंने आ के धक्के ना तीन चार बंदे, एक एक तो हैगा रवि सिंह हैगा सत्तोवाल का लुधियाने का, उन्होंने आ के तीन क दिन सानू कहा भी असी बीबी खड्ड चलानी, बीबी खड्ड चलानी थोड़े ना मंजूर आ, वो धक्के ना लै सन मतलब लै गए लिजा के उत्थे देख दिखा के बाद च कहते सू एक किला चाहिए सिर्फ, वो सारी साड़ी जमीन च लापे घुमा गड्डिया, तो असी कर दिता बंद, उन्होंने असी बंद करता, वो चढ़ गए तो नाले उन्हें साढ़े पैसे दब लै, तो नाले गाह सू फिर उन्होंने धमकिया दतिया, तो साढ़े को 70,000 रुपया फिर उन्होंने फैसले का लिया, फैसला थानेदार को लिखा पिया जाके चौंकी तुसी देख लो 70,000 कहते साडा कि एक दिहाड़ी रोक ली तुसी ते साडा 2,00,000 रुपया पै गया, उस वजह के नाल उन्हें 70,000 लै लिया भी असी एक दिहाड़ी 2,00,000 रुपया देना उन्होंने, धमकी उन्हें यही दिती है कि असी बीबी जे तू गलत सैन कराए असी तेन मतलब कि अपनी कानूनी कार्रवाई करा, तक इस वेले ही है कूके का ही ज सलखण आोनी आ, यह दोए तिने जने अपनी जमीन पटा रहे वो सारी जमीन साड़ी असी 80 लाख की मुल लई आ, हाँ जी कोट पतूही वाल बंदे असी उन्होंने तो दरिया मुल नहीं सानू दे गए, असी वह ले सी भी जो ये इधर छड़ दूंगा दरिया तो असी वो फसल बीजनी सब्जियां लग सकती, पहला दरिया च चलता सी हुण खेती खेतों चो चक दे उपरों, साड़ी ऐसी मंग है भी असं तो डीसी अगे यही करा भी साड़िया जमीन बगदियाँ झोने लगते कणक लगदियाँ भी ये बंद किया जाए, साडा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, 5 किले मेरे थले डग पे, 3 किलियां होर वाढ़ा लगा, तो कह नहीं सकते मेरे घर वाला बीमार है, असी तो रोटी पानी तो बहुत तंग हाँ, जान तो पूरा खतरा है, जबकि असी कल्ले हो सकता इन्हों का की भरोसा है।